नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अभी कोई भी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 12। फैक्टर्स क्या होंगे? 12 को जब हम उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वोशेंट आएगा दैट शुड बी आर इंटीजर, राइट। तो 12 के फैक्टर्स होंगे 6 एंड 2, राइट। 6 2 12, या फिर 3 × 2 × 2, राइट। तो फैक्टर्स इज कोई भी नंबर को हम मल्टी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं और उसका क्वोशेंट है वो पॉइंट में नहीं आएगा, इट विल बी एन इंटीजर। सिमिलरली 18 के फैक्टर्स क्या है? एक 9 है और एक 2 है, राइट। 9 और 2, क्योंकि 9 2 18। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 को और बार स्प्लिट करो 3 × 3 × 2, राइट। सो 3 3 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 18। दीज आर फैक्टर्स, मतलब कोई भी नंबर को जिससे डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, दोज आर फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होता है? फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा, प्राइम नंबर्स जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, ऐसे नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 का एक ही फैक्टर है 2, और कोई फैक्टर है नहीं। 3 का फैक्टर भी एक ही है 3, और कोई फैक्टर नहीं है। ओनली फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर इटसेल्फ। 11 का कोई फैक्टर नहीं है और सिर्फ 11 है, 13 का भी सेम, 17 का भी सेम, दोज आर प्राइम नंबर्स। ये आपने पिछले पहले की क्लासेस में कवर की होगी, राइट। सो प्राइम फैक्टर्स यानी क्या? कोई भी नंबर है उसका फैक्टर जो कि प्राइम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया 12 का फैक्टर क्या है, 6 और 2, इसमें 2 प्राइम है पर 6 प्राइम नहीं है, तो हमने 6 को स्प्लिट कर दिया 3 × 2 में। सो फाइनली तीनों प्राइम है। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स है 3 2 एंड 2। सिमिलरली 18 को हमने पे 9 और 2 में लिखा 9 × 2, ये दो फैक्टर्स है, राइट, 18 के। बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 9 को स्प्लिट किया 3 और 3 में, सो 18 के प्राइम फैक्टर्स है 3 × 3 × 2। सिमिलरली हियर वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यूब्स और परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स, राइट। हम यहाँ पे क्यूब्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, राइट। ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 4 12 15 18 21। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अभी प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक सिंपल मेथड आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 का हमने निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे 4 लिख दीजिए, एक लाइन और एक लाइन, ओके। 4 पहले किससे डिविजिबल है? 2, सो 2, 2, 2 जा 4, तो बचा 2। अब और एक लाइन, 2 किससे डिविजिबल है? सिर्फ 2 से, तो 2, 2 जा, सो 2 डिवाइड बाय 2, 1, राइट। सिमिलरली तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2, सो प्राइम फैक्टर्स विल बी 2 × 2। सिमिलरली 12 देखते हैं, ये है 12, एक लाइन, ओके। 2 6 are 12, सो 2 6 are 12। 2 3 are 6, 2 3 are 6, 3 1 are 3, सो 3 1 are। ये मेथड फाइनल राइट साइड में 1 आने तक करना है। यहाँ पे हम 1 पे रुक गए, 1 पे रुक गए, राइट। तो इसके फैक्टर्स है 2 2 एंड 3, 12 के है 2 2 2 3। नाउ 15 देखते हैं, ओके 15, सो 5 3 are 15, सो 5 3 are 3 1 are 3, 3 1 are 1 आया लास्ट में, तो फैक्टर्स क्या है? 5 और 3, 5 3। सिमिलरली 18, ओके 2 9 are 18, 2 9 are 3, 3 are 9,
3 है बचा 3 और 3 वन जा 3, ओके 2 3 3 2 इंटू 3 इंटू 3 21 के लिए, ये 21 फैक्टर्स निकालने हैं, 7 3 जा 21, 7 प्राइम नंबर है राइट, 2 3 5 7 11 और हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 1 सॉरी 3 1 जा 3 राइट, 1 यहाँ पे आया 1, फैक्टर्स आर 7 एंड 3, प्राइम फैक्टर्स नॉट जस्ट फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, ओके तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिले इन नंबर्स के। अभी नेक्स्ट इन नंबर्स के क्यूब्स के जो प्राइम फैक्टर है ना वो हम निकालेंगे राइट। सो अब ये नंबर्स 4 12 15 18 21 इनके क्यूब्स हमने निकाले 64 1728 3375 5832 एंड 9861 रिस्पेक्टिवली। तो अब हम इन क्यूब्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे राइट ओके तो फर्स्ट 64 के निकालते हैं, दिस इज 64 उसके फैक्टर्स ओके 2 लगा दिया तो बचा क्या 32 और एक बार 2 16 और एक बार 2 8 और एक बार 2 4 और एक बार 2 2 और एक बार 2 1 ओके 1 आ गया ओके तो प्राइम फैक्टर ऑफ 64 विल बी 2 इंटू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 right। ये देखिए 64 को हमने फैक्टराइज किया और प्राइम फैक्टर्स मिले 2 2 2 2 2 2 मतलब 2 6 टाइम्स राइट, इसलिए हमने यहां पे लिखा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 right। तो ओरिजिनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स थे 2 into 2, उसके क्यूब के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 6 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब राइट, लिख सकते हैं ना। तो हमने यहां पे क्या नोटिस किया, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर मतलब 4 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2, तो जब हम उस नंबर का क्यूब लेंगे तो उस क्यूब के प्राइम फैक्टर्स विल बी क्यूब्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 का क्यूब है 64, 4 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2, 64 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 7 फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर, तो उसका क्यूब हम निकालेंगे तो उस क्यूब के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 क्यूब और 7 क्यूब राइट। ये हमने अभी नोटिस किया राइट। सो नेक्स्ट है 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का क्यूब है 1728, सो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब राइट। चलो चेक करते हैं, अब हम 1728 को फैक्टराइज करके देखते हैं 1728 ओके 2 कर दिया 864 फिर से 2 432 फिर से 2 216 फिर से 2 108 फिर से 2 54 फिर से 2 27 आया। अभी से 2 से नहीं कर सकते, इसे 3 से करना पड़ेगा, 3 बचा 9 3 बचा 3 और एक बार 3 बचा 1, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आर 2 2 2 2 2 2 3 3 3 यानी
2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. आया कि नहीं हमने जो कहा था वो, ये तीन टूज का एक ग्रुप, ये तीन टूज का एक ग्रुप और ये तीन थ्रीज का एक ग्रुप, यानी कि 2 cube into 2 cube into 3 cube, राइट? 2 into 2 into 3 ओरिजिनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स है, तो ओरिजिनल नंबर का जब हम क्यूब लेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स विल बी 2 cube into 2 cube into 3 cube, राइट? अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15 को भी सॉल्व करके देखते हैं बिफोर जनरलाइजिंग समथिंग. ओके, लेट अस लुक एट 3375 के प्राइम फैक्टर्स. सो 15 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 5 into 3, राइट? 5 और 3, 15 का क्यूब है 3375. तो 3375 के क्या आने चाहिए? 5 cube into 3 cube, राइट? चलो चेक करते हैं. 3375, ओके, पहले 5 से करके देखते हैं. 5 5 6 30 37 5 7 35 25 5 5 25 6 75, और एक बार 5 5 1 5 6 17 5 3 15 25 25, ओके, और एक बार 5 5 2 10 25 27. अब 27 को 5 से नहीं कर सकते, सो अब 3 करते हैं. 3 9 और एक बार 3 3 और एक बार 3 1. तो प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 into 5 into 5 और 3 into 3 into 3, बराबर ना? इस मेथड से हमने वही प्रेडिक्ट किया था, प्राइम फैक्टर होंगे 5 cube into 3 cube. यहाँ पे 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 3, यानी कि 5 cube into 3 cube, राइट? सिमिलरली इसी मेथड से आप अभी ना 5832 और 9861 के भी प्राइम फैक्टर्स निकल के देखिए. पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ. तो इस मेथड से 5832 जो 18 का क्यूब है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 18 के है 2 into 3 into 3, तो 5832 के होंगे 2 cube into 3 cube into 3 cube. 21 के है 7 into 3, तो 9861 जो 21 का क्यूब है उससे क्या होंगे? 7 cube into 3 cube. सो हियर वी लर्न्ड, अगर किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमें हम निकाल सके, यानी 4 के है 2 and 2, तो उस नंबर का जब हम क्यूब लेंगे तो उसके उस क्यूब के प्राइम फैक्टर्स विल बी क्यूब ऑफ द ओरिजिनल प्राइम फैक्टर्स विच वी गेट, राइट? एग्जाम्पल हमने देखिए, 4 के प्राइम फैक्टर है 2 into 2, 4 का क्यूब है 64. सो इस प्रॉपर्टी से 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 cube और 2 cube. सो 2 cube into 2 cube. सिमिलरली 2 2 3, तो 2 cube 2 cube 3 cube. 5 3, तो 5 cube और 3 cube. 2 3 3, 2 cube 3 cube 3 cube. और फाइनली 21 के है 7 into 3 प्राइम फैक्टर्स, तो 21 का क्यूब के होंगे 7 cube into 3 cube. ओके, सो इस मेथड से हम किसी भी क्यूब के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट? प्राइम फैक्टर्स. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो पिछले कंसेप्ट से हमने सीखा कि अगर कोई नंबर है ए और उसके प्राइम फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल एक नंबर ए है तो उसके प्राइम फैक्टर्स अगर है एक्स इंटू वाई, राइट? तो उसका क्यूब जो है उसके प्राइम फैक्टर्स विल बी एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, राइट? तो एक चीज हमें नोटिस की, ए और ए क्यूब, राइट? ए क्यूब इज अ क्यूब ऑफ ए, मतलब ए क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर नंबर और परफेक्ट क्यूब. सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो परफेक्ट क्यूब्स है ना उसके प्राइम फैक्टर्स भी विल ऑलवेज बी इन थ्री ग्रुप्स. मतलब फॉर एग्जांपल हमने यहां पे देखा ए के प्राइम फैक्टर्स है एक्स और वाई, ए क्यूब के है एक्स क्यूब और वाई क्यूब. तो
वी कैन से कि ए क्यूब जो है उसके प्राइम फैक्टर्स है एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई इंटू वाई, राइट, मतलब तीन एक्स और तीन बार वाई। सो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो चेक कैसे करें, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो एंड चेक कि उसके प्राइम फैक्टर्स 3-3 के ग्रुप्स में है कि नहीं। यहाँ पे 4 का क्यूब है 64, 4 हमें पता है 2 इंटू 2 64 के है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। सिमिलरली 12 का हमने निकाला, 18, 21 निकाला। तो अगर एक कोई रैंडम नंबर है आपको चेक करना है कि वो उस रैंडम नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3-3 के ग्रुप्स के में है कि नहीं, फिर आपको पता चलेगा कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। हाँ, तो इससे हम बोल सकते हैं कि अ नंबर कैपिटल एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब ओनली इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आर इन अ ग्रुप ऑफ थ्रीज, राइट। क्योंकि कोई भी नंबर का क्यूब जो होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, 12 कंसिडर कर लीजिए, 12 के प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 1728 जो क्यूब है 12 का उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, राइट। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर x है वो परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स आर इन अ ग्रुप्स ऑफ 3, यानी 1728 समझो हमको एग्जांपल मिला, यू हैव टू चेक कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो उसके प्राइम फैक्टर हमने निकाले, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तभी हम लिख पाए ना 3 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब। सो 3-3-3 का एक ग्रुप, 2-2-2 का एक ग्रुप और 2-2-2 का एक ग्रुप। इससे हम सीधे से बोल सकते हैं कि 1728 इज अ क्यूब और परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर, राइट। सो ये टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं चेक करने के लिए, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर चेक कि प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे टोटल वो 3-3 के ग्रुप्स में है कि नहीं, मतलब एक नंबर 3 बार, दूसरा नंबर 3 बार, तीसरा नंबर 3 बार, ओके। तो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस मेथड को अप्लाई करने के।